नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण में लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। रुद्रप्रयाग के कई गांवों में महिलाओं ने पेड़ पौधे लगाए हैं। पेड़ लगाने के साथ ही महिलाओं ने लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। आने वाले समय में भी लोगों से यही कहा जा रहा है कि लोग पर्यावरण को और बढ़ाने की कोशिश करें, पेड़ लगाएं। वहीं चमोली में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न हिस्सों में सरकारी विभागों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बंजर जमीन में वृक्षारोपण किया। बता दें कि कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश भी होती रही, जिस कारण वृक्षारोपण करने में बड़ी सहूलियत हुई। वृक्षारोपण करने के बाद में सभी लोगों ने वन पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया है। पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पे आज हमारे असीर सिमली रेंज द्वारा हमारे तेजपात का और काफल के 25 पौधों का मतलब वृक्षारोपण किया गया। इसमें साथ में पुलिस विभाग द्वारा भी हमारे हमें सहयोग किया गया। और इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है और यहाँ से लेके हरेला तक जो चलता है ये प्रोग्राम, इसमें वन विभाग द्वारा सभी जितने भी लोग आसपास हैं सभी को पौधे वितरित भी किए जाएंगे। और सभी से ये अपील की जाएगी कि हर अपने लेवल पे जो भी जहाँ पे भी जैसा भी कर सकता है, जितनी कोशिश कर सकता है वनों को बचाने की, अपने लेवल पर हर कोई अपना अपना सहयोग वन विभाग को प्रदान करे। धन्यवाद। नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए मैं यहाँ पे सुरेंद्र है, जनपद चमोली के नारगढ़ विकासखंड में। यहाँ पर रेंज मुख्यालय के जो पास में है आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यहाँ पे जो वन विभाग जो है, बद्रीनाथ वन विभाग, पश्चिमी जो पिंडर रेंज वन विभाग है, पुलिस महकमा है, यहाँ पे खाद्यान्न महकमा है, चारों महकमों ने यहाँ पे जो यहाँ पे वृक्षारोपण आज किए हैं। इर्द गिर्द में जो खाली जमीन थी यहाँ पे वृक्षारोपण, बेहतरीन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। और आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हम भी अपने दर्शकों को और अपने पाठकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस को हम 5 जून को ही ना मनाएं, बल्कि हम एक कहना चाहेंगे कि साल भर हम विश्व में जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें, ताकि वो प्रकृति जो हमें देना चाहती है वो हमको अच्छा लौटाए, उसका विकृत रूप हमारे सामने ना पाए। तो जो आज उसका जो प्रकृति का जो विकृत रूप हम देखते हैं, अभी वर्तमान में जो कोरोना काल में जो तमाम ऑक्सीजन के लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, और जो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, यहाँ पे जो नैसर्गिकता है प्रकृति की, जो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे हैं, यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की कमी बहुत कम मात्रा में पड़ी और जरूरत भी नहीं हुई कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने पड़े। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस को ही ना मनाएं, बल्कि पूरे साल भर पूरी प्रकृति की आप सुरक्षा करें, ताकि प्रकृति आपके साथ बेहतरीन व्यवहार कर पाए और आपको जीवित रहने लायक ऑक्सीजन प्रदान करे, आपको अन्न धन और जल भी आपको मुहैया करें। तो वर्तमान में हम प्राइम टीवी की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कलियर में चेयरमैन प्रतिनिधि ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, साथ ही शहरवासियों से कहा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ में इलाके में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, इससे बचने के लिए इलाके में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। ऋषिकेश से सटे हुए टिहरी गढ़वाल में फर्जी आरटीपीसीआर जांच करवाई जा रही है। कोविड के लिए की जा रही इस फर्जी जांच की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्रवाई करने की बात कही। इसी के तहत एक लैब में छापेमारी भी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस और मंत्री को देखकर लैब संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान संदिग्ध किट भी मिली है, पुलिस ने किट को जांच के लिए भेज दिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही थी, इसके बाद ही कार्रवाई की गई है। मंत्री जी का दावा है कि जांच में जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहां पुलिस को लेके गई और साथ ही साथ जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उस कंपनी के मालिक से मेरी बात की और हमने कहा कि निश्चित रूप से कानून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के खिलाफ भी की जाएगी, क्योंकि ये कोविड कर्फ्यू हमने लोगों को बचाने लगाया, उसमें इस तरह की अमानवीय हरकतें करना, लोगों को लूट कर फर्जी उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट देख करके प्रशासन को भी गुमराह करना और जो यात्री है उसको भी गुमराह करने का काम किया, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और इस मामला में संज्ञान में आने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। ऋषिकेश में कोतवाल रितेश शाह के तबादले के बाद में नए प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल नेगी ने कार्यभार संभाला है।
जांच संभालने के बाद में भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष विनय पांडे, महामंत्री अमित कंडियाल और प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र भट्ट के साथ में शहरवासियों ने नए कोतवाल का स्वागत किया। नए प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि आम लोगों को जो भी परेशानी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। ऋषिकेश में शिशुपाल सिंह नेगी जी नए कोतवाल का चार्ज उन्होंने संभाला है। भारतीय पत्रकार संघ ने उनका स्वागत भी किया, उम्मीद जताई है कि आगे जिस तरह से पूर्व में भी कोतवाल और यहाँ पर रहे, जिन्होंने अपनी सेवाएं पब्लिक के हित में और लोगों की सेवा करते हुए दी है, उसी तरह से शिशुपाल नेगी जी भी अपनी सेवाएं देंगे और जो जो भी क्राइम का मामला हो या फिर किसी जनहित का मामला हो उसमें अपनी सेवाएं बढ़ चढ़ कर देंगे और लोगों की सुरक्षा। कोरोना महामारी की वजह से लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत काफी ज्यादा पता चली और लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में ऋषिकेश में IDPL फैक्ट्री में 15 सालों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चलाने की आवश्यकता पड़ी तो फैक्ट्री के तकनीकी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट को लेकर अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सेना के इंजीनियरों की टीम ने सालों से बंद पड़े इस प्लांट को शुरू कर दिया है। सेना के इन कर्मचारियों की भी विधानसभा अध्यक्ष ने तारीफ की है। देखिए, आज मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि जो IDPL के अंदर ऑक्सीजन प्लांट था जिसके लिए बहुत प्रयास किए भी गए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने इस पर बहुत व्यक्तिगत रुचि लेके और इसको प्रारंभ करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हमारे सेना के जवान जो सरहद पे तो रक्षा करते ही हैं हमारी, लेकिन ऐसे मौके भी अपना जो टैलेंट है उसका लोहा मनाने में कहीं पीछे नहीं हटते। ऋषिकेश के नेपाली फर्म में बन रहे टोल प्लाजा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विधानसभा अध्यक्ष ने CM का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री निशंक की तारीफ की है। वहीं पर टोल प्लाजा के लिए धरने पर बैठे लोगों से अपील की गई है कि वह धरना समाप्त करें, यानी कि नेपाली फर्म में टोल टैक्स नहीं लगेगा। विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत कुछ दिनों से चर्चा में एक विषय था कि टोल प्लाजा लग रहा है और उसको लेके हमारे बहुत ही सम्मानित ग्राम प्रधान, अन्य बहुत से लोग उसको विरोध में कई दिन से उसके धरना वहाँ पे दे रहे थे और मैं भी प्रयासरत था कि वो धरना किस तरह से समाप्त हो और उनकी मांग पूरी हो और लगातार मैं तब से जब मेरे संज्ञान में लाया गया तब से लेके लगातार मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से संपर्क में था और मैंने थोड़ा सा एक बनाया था। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, 24 तारीख को मेरे संज्ञान में लाया गया, 25 तारीख को मेरी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, हमारे अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, 26 तारीख को फिर हमारे ग्राम प्रधानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई ऋषिकेश में, 27 मई को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो मेरे यहाँ के सांसद भी हैं, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारा विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के मतलब क्षेत्र में यानी वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनसे मेरी बात हुई। फिर माननीय आज रुद्रप्रयाग में व्यापार मंडल ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए बाजारों को खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापार सभा अध्यक्ष चंद्र मोहन सेमवाल के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शन करने वालों ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही बताया कि सरकार को जगाना है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में व्यापारियों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए व्यापारियों ने अपील की है कि अब कर्फ्यू को खुलवा दिया जाए ताकि व्यापारियों की रोजी रोटी भी चल सके। विकासनगर में आम आदमी पार्टी की नेत्री डिंपल सिंह ने भीमावाला कार्यालय में लोगों को मेडिकल किट बांटी है। मेडिकल किट बांटने के साथ में ही आम आदमी पार्टी की नेत्री ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया है। साथ ही सलाह दी है कि हर गांव को कोरोना से मुक्त करने के लिए काम किया जाए। डिंपल सिंह ने कहा है कि उनकी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि संक्रमण से बचने के लिए लोगों से अपील की जाए। पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब से कोरोना की पहली लहर है वैसे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तभी से सड़कों पर उतर के अभियान कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन अभियान या लोगों को मास्क वितरण, राहत सामग्री, लेकिन जब से दूसरी लहर स्टार्ट हुई है
जब तक सरकार की हमने देखा अनदेखी हो रही सरकार की तरफ से, तो पार्टी का हर कार्यकर्ता कोशिश कर रहा है कि जो जरूरतमंद लोग हैं या जिन गांव या जिन क्षेत्र में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है वहां पर पहुंचकर सैनिटाइजेशन कराएं, राहत सामग्री वितरित करें, मास्क सैनिटाइजर। और अभी कल ही हमारा एक अभियान लॉन्च हुआ है हर गांव कोरोना मुक्त। दिनेश मोहनिया जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी और अजय कर्नल कोठियाल जी इनके नेतृत्व में ये अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें हमारा कार्यकर्ता हर गाँव में ऑक्सीजन जाँच केंद्र खोलेगा और उसी गाँव में जाके लोगों का ऑक्सीजन ले। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज विकास नगर में भी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों की तरफ से संत निरंकारी भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। विकास नगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि प्रकृति से सदा मानव का नाता रहा है और हम सब का दायित्व तो बनता है कि आज इस पर्यावरण दिवस पर अपने नाम का एक पौधा रोपित जरूर करें। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में भी आज हम सबको प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। वृक्षों में कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। हमें ऐसे वृक्षों का रोपण जरूर करना चाहिए। देखिए, इस मौके पे सबसे पहले तो मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के समस्त पदाधिकारी पछुआ दून में उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पछुआ दून विकास नगर में भी हर साल की भांति श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के समस्त पदाधिकारियों ने आज भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है और पेड़ पौधे लगा करके एक संदेश दिया है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। इस महामारी के समय जिस जैसी हालात देश की है, अगर हम लगातार हर व्यक्ति 125 करोड़ व्यक्ति हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए तो हम उस महामारी से बच जाएंगे। प्रकृति से सदा मानव का नाता रहा है, हम सब का सदा ही प्रकृति से नाता रहा है। नदियों के किनारे सभ्यता और हमारी संस्कृति फली फूली है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हमारे विकास नगर में भी पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। अभी मौजूद है हमारे विकास नगर विधायक श्री चौहान जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विकास नगर में जो पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही। देखिए, यदि आप इवोल्यूशन थ्योरी पे भी बात करेंगे तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ आई, सबसे पहले जीवन पानी में पनपा, उसके बाद अरण्य लाइफ आई, जंगलों में जीवन पनपा, और फिर मानव ने इस स्वरूप में आया। तो जाहिर तौर पर है पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है। पर्यावरण का संरक्षण हम सब मिलकर करेंगे। पर्यावरण संरक्षण का काम केवल एक संस्था का नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, केवल सरकार का नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा कि हमारे तो पुराणों में, वेदों में, रामायण में कहा गया है कि 10 वृक्ष एक पुत्र समान। तो यदि जिस प्रकार से हम अपने घर में बच्चों का पालन पोषण पोष करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों का भी हमें संरक्षण करना चाहिए। शुद्ध आबोहवा होगी, शुद्ध पर्यावरण होगा तो जीवन सुरक्षित होगा। ये इसी संदेश में देना चाहता हूँ और यही मुझे खुशी भी है कि यहाँ के मेरे क्षेत्र में तमाम सारे नौजवान कटिंग अक्रॉस दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो जो हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक हैं और तमाम तरीके के काम, तमाम सारी संस्थाएं, सरकारें, बाकायदा रिवर रिजुमिनेशन, नदियों के पुनर्जीवन की आवश्यकता है, जंगलों में आज ही मैंने रावत जी का एक बयान पढ़ा कि उसमें उन्होंने कहा है मिक्स फॉरेस्ट की कितनी आवश्यकता है, जो ये एक तरह के जंगल हम बना दे रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। हम सब लोग मिलकर के इसको करेंगे। इसके लिए सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभ अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। सचमुच संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और इस पर्यावरण को संरक्षित और संरक्षण करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। इसकी आबोहवा सुरक्षित रहेगी तभी हम जीवित रखेंगे। अब देखना है कि हम सब इस पर्यावरण को बचाने में कितने सफल होते हैं, ये आने वाले दिनों में, सालों में पता चलेगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल विनोद रोथाण की ये रिपोर्ट।
वहीं रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए सफलता हासिल की है। गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल्स के साथ में 2 मोटरसाइकिलों के इंजन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल लूट की यह घटना हुई थी रजवाड़ा फार्म के पास में। ये मोटरसाइकिल लूटी गई थी जिसमें अभियुक्त जो थे वो अज्ञात में थे, पर सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के द्वारा इसमें टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई जिसमें 4 अभियुक्त इसमें बरामद मिले हैं और 4 मोटरसाइकिलें हमें मिली हैं जो लूटी गई हैं या चोरी की गई हैं। उसके अलावा 2 इंजन पार्ट्स हमें मिले हैं, तो रिकवरी हमारी। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20 लाख की कीमत की स्मैक को बरामद किया है। लाखों के स्मैक के साथ में नशा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरीके से अभियान चलाकर कार्रवाइयां होती रहेंगी। SHO भगवानपुर, SO भगवानपुर के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी जो इनके निर्देशन में की गई थी, जिसमें पूर्व में लगातार सूचना मिल रही थी कि जो स्मैक में कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो स्मैक बेचने का वर्क कर रहे हैं। तो उच्च अधिकारी DGP महोदय का एक अभियान, क्योंकि स्मैक के विरुद्ध चल रहा है, तो उसमें लगातार पुलिस एक्टिव भी है। हरिद्वार के पिरान कलियर में मिट्टी से भरे हुए ओवरलोड वाहनों ने स्थानीय लोगों को काफी परेशान करके रखा है। इन ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कों में कीचड़ और गड्ढे हो रखे हैं। इससे पहले अपनी परेशानी को कम करने के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। वहीं पर स्थानीय सभासदों और वार्ड वासियों ने वाहनों को रोककर उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने डंपर चालकों से रास्ते में हो रहे गड्ढों को देखने और उससे होने वाली परेशानियों को बताया है, लेकिन कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने डंपरों को छोड़ दिया। क्या जा रहा कि यहाँ जो रोड डली हुई RCC रोड है, इनके मारे जो गरीब लोग हैं, इनके घर रोड पर लगे हुए हैं और भी रास्ते हैं, वहाँ को ये निकाल नहीं रहे। उसी रोड को निकाल ले जिद कर रहे हैं, वो रोड सारी टूट गई, उनके बच्चे बाहर आ रहे हैं और उनके बच्चे बाहर आने से उन्हें खतरा, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे भाग को बाहर निकलो, घर तो कब लग रोकोगी, माँ कब लग रोकोगी, उनके बाप कब घर थोड़ा ही बैठेंगे उन्हें रोकने के लिए, और रास्ते वहाँ को निकल नहीं रहे। परमिशन इनको 805 तक की पूरी रात डंपर चला रहे, तो ये नाजायज कर रहे हैं, ये हमारे लोग परेशान हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पर्यावरण दिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिरान कलियर में पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। इस दौरान थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी भी वहां पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौसम अली ने कहा है कि पेड़ों से ही हमारा जीवन चल रहा है। वहीं पर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने कहा कि हम जितने भी ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही हम सब प्रदूषण से भी बच सकेंगे। आज देखिए पर्यावरण दिवस है, आज हमने पिरान कलियर शरीफ में ये जो पेड़ लगाए हैं इससे हम अपने देशवासियों को जागरूक करना चाहते हैं। आज हमने पिरान कलियर शरीफ थाने के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र राठी जी के साथ मिलकर यहाँ धनोरी रोड पर जो पेड़ लगाए हैं ये इस विषय में लगाए हैं कि ताकि हमारे आसपास जितने पेड़ होंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रदूषण से बचेंगे। और मैं अपने देशवासियों से विनती करता हूँ कि एक पेड़ हर घर में होना चाहिए। दोस्तों, हमें पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए, पेड़ हमारी जिंदगी है, पेड़ों से हमें अच्छी सांस मिल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने गोहरी रेंज स्थित वन विश्राम गृह परिसर में वृक्षारोपण किया है। पेड़ लगाते हुए यमकेश्वर विधायक ने वृक्षारोपण पर और पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, वह आम जन जीवन के लिए एक सबक है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का बचाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम गोहरी रेंज के रेंजर धीर सिंह की ओर से आयोजित किया गया। वहीं लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।
बुजुर्ग महिला की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद में लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने परिजनों की बात को सुनते हुए घटनास्थल की घेराबंदी की और परिजनों से ने जो शिकायत की है उस आधार पर जो है मामला दर्ज किया गया है। महिला की हत्या की गई है ये बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।